अल्लामी बसमल रन रहीम अल्हदिल्लबिन सदमरसलैन वमअआसम अम्मादल व्ल वबरक़ा मेरे नई बस्ती के पानी के टंकी के मेरे दोस्तों मेरे बच्चों मेरे बुज़ुर्गों यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने बातें नहीं करूँगा कुछ बातें बुनियादी आप लोग के सामने रखूंगा उसके बाद हम लोगों के किसी भी प्रोग्राम या मीटिंग का तर्ज ये होता है कि पूरा टाइम ऑडियंस को देते हैं कि जैसे जो जिसके मन में जो सवाल रहेगा आपके जो सवाल रहेंगे उसका मैं इंशाल्लाह कानूनी पहलू से जवाब दूंगा और जो भी हल आपको यहाँ तकलीफ़ है आपकी ये नई बस्ती में आपको जो भी तकलीफ है इंशाल्लाह फिर उसके इंशाल्लाह आपके सामने हल आ जाएंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पर आपके नौजवान लोग आए थे आपके एरिए के अकील और ये दूसरे हमारे ये सब भाई लोग आए थे तो इन्होंने कुछ बताया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफ कुछ नशा करने वाले लोग हैं नशेड़ी लोग हैं तो बहुत ज़्यादा मुकामी जो लोग नहीं है कुछ ही लोग हैं जो नशा करते लेकिन तकलीफ पूरे महल्ले पूरे एरिए को है अब वो एक गंदी मछली सारा तालाब को गंदा कर देती है इसके भी मजदाग है लेकिन उससे भी असल और अहम बात मैंने इनके सामने जो रखा था हमारे बच्चों के मैंने ये रखा था कि भाई सिर्फ ये असल मकसद या असल काम नहीं होना चाहिए जैसे कि एक तकलीफ है कि आज किसी नशेड़ी किसी गंजेड़ी को या कोई भी ऐसे गंदे कारोबार करने वालों को हटाओ तो सबसे पहली दिक्कत होती है भाई पुलिस क्योंकि आज पुलिस का ही धंधा चलता है नशे वगैरह का जो हफ्ता जाता है या ये जो भी इनको शायद जैसे कोई पाकिट मार कोई चोर कोई गर्दुल् गदुल्लु का आप पकड़ो फॉरन पुलिस छोड़ देती है है ना अक्सर पुलिस के हफ्ते बंद हर पुलिस स्टेशन का बंदे किसी ने छुपा नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नोटिस ले चुकी है लेकिन इससे बहस में ना पड़ते हुए इसमें ना जाते हुए हमको हमारे हुकूक कैसे मिले हमारी जो तकलीफ है कैसे दूर हो हमारी परेशानी कैसे हल हो हम उसके ऊपर बात करेंगे ठीक है इनशाला यही पुलिस यही डिपार्टमेंट किसी और के लिए क्या करता है वो अपने को नहीं मालूम लेकिन अपन एक सही और अच्छी चीज़ के लिए समाज की भलाई और उन्नति के लिए अपन करेंगे यही पुलिस इनशाला हमारे लिए काम करेगी क्योंकि उसको काम करना है लॉ को फॉलो करना है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है बुराई को ख़त्म करना है यही पुलिस का काम है इसी चीज़ की तनख्वाह पुलिस को मिलती है ठीक है आप अपने हाथ से बुराई ख़त्म करने जाओगे हुकूमत कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून पे अमल करने या उस कानून को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी क्राइम समाज में होता है तो कंट्रोल करना कायदा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है तो इन अपन पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए इसको ख़त्म कराएंगे और किसी को डरने की ज़रूरत जो यहाँ के मुकामी स्थानिक लोग हैं जो रहते हैं प्रॉपर जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे फैमिली के साथ है तो किसी है को डरने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस को बदला लेगी पुलिस को इंतकाम लेगी या कोई मखसूस पुलिस वाले को हफ्ता जाता होगा या, तो या कोई पुलिस का यहाँ ऊंचे लेवल का दलाल भड़वा खबरी कोई होगा तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है वो तो खबरी है फंसा देगा कोई तो दूसरे पकड़ मार के केस में फंसा देंगे ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है एक आम इंसान जो आम घरेलू इंसान है ना कॉमन मैन सबसे पावरफुल वो होता है वो अपने हक़ के लिए बोलता नहीं इसीलिए वो कमज़ोर है कमज़ोर क्यों होता है एक आम इंसान जो है ना एक आम इंसान वो अपने हक़ के लिए बोलता नहीं इसीलिए वो कमज़ोर है अगर एक आम इंसान जब हक़ के लिए खड़ा हो जाएगा ना तो हुकूमत वक्त भी उसका कुछ नहीं कर सकती सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है ना इस देश के अंदर तो कॉमन मैन है और वो आदमी जो कानून को पूरा फॉलो करता है लॉ अबाइडिंग तो उससे ज़्यादा जो कायदा व्यवस्था को लेकर चलने वाला आम इंसान है जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है बाल बच्चे पालते हैं ना उससे पावरफुल आदमी कोई नहीं है लेकिन वो डरता है अपने घर के लिए बाल बच्चों के लिए है ना उसको घर देखना होता है रोज़ उलझना नहीं चाहता किसी चीज़ में लेकिन सबसे पावरफुल आदमी ही वही होता है याद रखो तो उसमें ना पढ़ते हुए इनशाला जो भी आप लोग की तकलीफ है उसको दूर की जाएगी देखो बच्चा भी रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना कभी आप देखें बच्चा बैठा माँ दूध पिला रही कभी नहीं वो रोता है ना उसको उतनी भूख के लिए रोना पड़ता है तो इसीलिए जब वो आपकी तकलीफ़ है उस तकलीफ को जब तक आप बताओगे नहीं बोलोगे नहीं डिपार्टमेंट में देखो कोई डिपार्टमेंट पूरा ख़राब नहीं होता या हर जगह हर जगह बुरे लोग नहीं होते अच्छे बुरे सब होते अगर चार बुरे हैं तो आपको अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको तो अगर किसी डिपार्टमेंट में आप शिकायत लेके जाते हो चाहे वो कॉरपोरेशन हो चाहे तहसीलदार हो प्रांत हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो तो वह अच्छे लोग भी जो आपको सुनेंगे आपकी बातें सुनेंगे तो इधर घबराने की जरूरत नहीं है अपने को इसी झगड़ा रगड़ा तो करना नहीं है दंगा तो करना नहीं है कोई बलवा तो मचाना नहीं है बस आपका जो यहाँ पे जो भी तकलीफ़ आपको हो रही है किसी नशेड़ी गरदुल्ले की वजह से या नशा बेचने वालों की वजह से या जो कोई चोर चमार की वजह से तकलीफ़ हो रही है तो तकलीफ कली आपकी दूर होना चाहिए ये मकसद है ना हाँ तो इन शाह ये चीज़ हो जाएगी आपको कोई मसले की बात नहीं है लेकिन कोई भी काम करने के लिए देखो इतहाद बहुत अहम चीज़ है इतिहाद ताकत बहुत अहम चीज़ है जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई यहाँ तो इधर अकेले सौ किलो उठा एक सौ किलो का बोरा हंड्रेड किलो का कोई भी बोरा गठान ताखा कुछ भी रख दूँ एक अकेले आदमी बोलू। को बोलूँ इसमें कोई एक आदमी भी है जो सौ किलो का बोरा अकेले उठा सकता है, है कोई लेकिन वही तुम चार लोगों को बोलूंगा मिलके वो सौ किलो का उठा दो अगर वही दस लोग मिलके उठाना पड़ा तो अगर सौ लोग वही मिल उठाएंगे तो एक किस्से में एक ही किलो का वजन आएगा ना बस यही चीज़ होती है उठाने वाले को उठेगा वो अकेले से भी वो सौ किलो अगर वो हिम्मत आखिर तक लगाएगा तो देखो चूटी को आप देखोगे ना चूटी वो अपने से दस गुना वजन लेके चढ़ती है पहाड़ पे दीवार पे गौर क्यों कभी आप एक सादी चूटी होती है ना चूटी उसका वज़न आप जब करोगे ना माइक्रो स्कोल पर स्केल पर जब उसका वजन करोगे ना आप तो चूटी का वजन चूटी जो वजन उठाती है चाहे शक्कर का दाना हो गेहूँ का चावल का दाना हो वो चूटी से दस गुना ज़्यादा वजन होता है लेकिन उठाती है ना अपने से लेकिन इंसान नहीं उठाता अगर मैं आज डेढ़ सौ किलो का हूँ तो मैं पंद्रह सौ किलो तो छोड़ दो मैं डेढ़ सौ किलो भी नहीं उठा पाऊँगा मतलब अपना इक्वल भी नहीं उठा पाऊँगा आज एक नॉर्मल कोई भी आदमी है एक आदमी साठ सत्तर किलो का है ना उसको तुम बोलोगे सत्तर किलो वज़न उठा ले तू इतने वज़न नहीं उठा सकता लेकिन अल्लाह ने एक मिसाल रखी है दुनिया के अंदर कि चूटी अपने से दस गुना ज़्यादा वज़न उठा जबकि हम उनको चूटी बोलते मुँगी बोलते हैं ना चूटी लेकिन कितना उठाती है उसके वज़न से टेन टाइम्स ज़्यादा दस गुना दस पर ज़्यादा उठाती है तो इसीलिए लिए में ताकत है भाई इरादा करोगे तो अकेला आदमी भी सब कुछ कर सकता है लेकिन मुतहद रहोगे तो वही काम आसानी से हो जाएगा समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ मुतहिद रहोगे तो सौ किलो समझो सौ आदमी मिलकर उठाने वाली बात की मिसाल हो जाएगा हर आदमी के हिस्से में एक किलो बोल जाएगा आसानी से हो जाएगा किसी की बुराई भी नहीं होगी कि किसी से हमको यह काम बेहतर तरीके से करते हुए इस बुराई को खत्म करके कोई बुराई ना पैदा हो कोई लफड़ा झगड़ा ना पैदा हो अमन और सुकून के तहत काम करना है लेकिन मैंने हमारे बच्चों को दूसरी एक बात और क्या बताया था अभी वो जो भी लोग नशा करते हैं या जो भी लोग चोरी कर रहे हैं नशा कर रहे हैं जिस तरीके की उनकी लत हो गई है तो एक तरफ तो अब उनको उस चीज़ से हकाल देना ये फौरी तौर पे आपको एक हल मिल जाएगा कि भाई वो लोग यहाँ नहीं बैठ रहे दूसरे यहाँ कर रहे आप लोग फ्री हो गए लेकिन एक समाजी इंसान के तौर पर एक माशरती मखलूक हो आप समाजी मखलूक हो तो ये भी आपके ऊपर फ़र्ज फ़र्द जिम्मेदारी है कि भाई उनके भी घर परिवार का सोचो उनकी जान का भी सोचो क्या आप नहीं चाहोगे कि वही शख्स आपके मोहल्ले का या पास पड़ोस का जिस इस गंदी लत में वो भी आपकी तरह इस लत से पाक हो जाए यह भी फिक्र करो मेरे भाई एक तरफ़ तो उनको फौरी तौर पर रोकना है कि भाई तुम यहाँ मत पिए मत करो लेकिन ऐसा ग्रुप बनाओ जब आप लोग एक ऐसा ग्रुप बनाओगे ना कि भाई वैसे लोगों को ये तमाम बुराइयों से और नशे से रोकना है कि भाई ये अब नशे से रुक जाए अगर आपके मोहल्ले का आपका पहचान वाला कोई दोस्त यार वो ड्रग एडिक्ट है एमडी लेता है कुछ भी लेता है गांजा चलस कुछ भी लेता है दारू पीता है जो भी नशा करता है अगर वो नशा छोड़ देता है तो बताओ आप लोग को खुशी नहीं होगी होगी ना भाई तो इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है अभी आपको अकेले बोलेंगे उसको छोड़ा तो कोई आपने अपना काम धंधा छोड़ कर वक्त तो देगा नहीं बोलेगा मैं अपना काम ना देगा का अपना घर चलाऊँगी इसके पीछे टाइम दूँ कि माशेरे का ही काम होता है उसको बरूबर टाइम देना उसके नशे का वक्त में उसको वक्त देना एक लत का टाइम होता है ना एक्चुअली में नशेड़ी क्या होते हैं मालूम है एक लत का टाइम होता है किसी को रात के टाइम किसी को दोपहर के टाइम किसी को शाम के टाइम अगर उस वक्त आप उसको संभाल लिए ना समझो मिसाल के तौर पर किसी को रात में दस बजे लगते ही लगते जब नहीं मिलेगा बेचैन हो जाएगा अगर वो दस बजे के वक्त में माशरे के लोग उसको छोड़े नहीं ले के, 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 कर पकड़ के बैठ गए किसी तरीके से उसको बहला लिए कुछ दिन खाली हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन भी कर लिए ना तो बहुत गुंजाइश है कि उसका नशा छुड़ जाए लेकिन अगर आप लोग नहीं भी कर सकते ना तो बोलने का यह मतलब है अलहमद हमारे भाइयों का सेंटर भी है हमारे अपने लोगों का हमारे दोस्तों का हमारे बीच में आप परवेश भाई बैठे हैं तो इन लोगों का इनके ग्रुप का ऑलरेडी सेंटर है मापोली के अंदर जो बायदा नशा मुक्ति केंद्र है और मेरी समझ के अपने पूरे ताल्लुक़े में सबसे बेहतर है जहाँ पर अभी तक हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट है हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट है नाइन्टी टू से ज़्यादा लोग वहाँ पर बयानों से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी है, है पूरा हॉस्टल सिस्टम है नमाज़ का निज़ाम हमने कायम किया हुआ है वहाँ पर पूरा सब एक एक चीज़ें तो आप लोग अगर मतलब कोई किसी से हमदर्दी रखोगे तो वो भी अल्टरनेट है भाई अगर आप वक्त नहीं दे सकते किसी के पेचे कुछ नहीं कर सकते तो एक शख्स जो भी हमारे यहाँ काम करता है कोई स्लाइडिंग का काम करता होगा कोई रिक्शा चलाता होगा कोई कुछ करता होगा कि अपने दोस्त के नाम पर महीने में सौ रुपया एक बार नहीं निकाल सकते महीने में एक बार सौ रुपया किसी को सुधारने के लिए नहीं निकाल सकते हूँ सौ रुपया अगर इसी तरीके से आप सौ लोग मिलकर अगर सौ सौ रुपया निकालते हो तो हर महीने दस हज़ार रुपये जमा होगा यानी एक आदमी का आप एकदम जो बोलते हैं ना ऑफिशियल रॉयल जो रेहब में जो इलाज होता है इसका जो सेंटर होता है नशा मुक्ति केंद्र ये बाकायदा वहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर में आप एकदम राजा की तरह इलाज करा सकते हो अगर आप दस हज़ार आप सौ लोग मिलकर रहकर जमा आगे रास्ते बहुत है आपके एरिया का कॉरपोरेटर देगा अच्छे जो बिज़नेस मैन वो दे देंगे दूसरे फाइनेंशियल डोनर मिल जाते हैं लेकिन असल चीज़ है इरादा करना आप लोग जब इरादा करोगे कि हमको ये अच्छा करना है हमको हमारे मोहल्ले से अगर नशे से पाक करना है तो भाई हमको उस आदमी को भी पाक करना है उस आदमी की भी लत छुड़ाना है वो तो हमारा दुश्मन नहीं है भाई उसको आज नशे की वो आदमी को गलत आदत पड़ गई है तो आज हमारे लिए बुरा है ना अगर उसमें तो नशा ख़त्म हो गया तो वो शख्स अगर नशे की आदत छोड़ दिया तो भाई दोनों फिक्र करो फौरी तौर पर हम लोग उसको वहाँ से हटा सकते हैं कि भाई ये नशा ना करे ये एरिया छोड़ देवे यहाँ पे नहीं हो लेकिन उससे साथ साथ उसकी ज़िंदगी का उसके परिवार का उसके घर का वो भी किसी का बेटा है किसी का भाई है किसी का शौहर है है ना वो भी किसी का किसी का बाप होएगा तो उसकी भी फिक्र करो बाहसीत एक इंसानी मखलूक के हम एक माशरती मखलूक हम जानवर नहीं है कि अपन अपना खुद पैदा हुए खुद मर गए हम एक माशरे में रहते तो समाज में रहते तो ये फिगर पैदा करो कि हमको अगर एरिया को पाक करना है तो उस आदमी की बुरी लत को भी पाक करना है ताकि किसी माँ को उसका बेटा सुधर के मिल जाए किसी बीवी को उसका शोहर किसी बहन को उसका भाई किसी बेटे को उसका बाप इस नशे से वो मुक्त होकर मिल जाए ये मेरा आप लोगों के सामने एक बात थी एक मशवरा था अब जैसा भी आप लोगों की जो तकलीफ जो बातें होंगी अब मैं आप लोगों के सामने आऊँगा आप लोगों को मौका दूंगा जिसको जो सवाल है करो जो बातें करो मैं मेरी बात इस पर ख़त्म करता हूँ कि हमको किसी जालिम से नहीं उसके जुलम से नफरत करना है इंसान से नहीं उसके अंदर की बुराई से नफरत करना है काफिर से नहीं उसके कुफ्र से नफरत करना है जब इंसान के अंदर की बुराई ख़त्म हो जाएगी तो इंसान से कोई दुश्मनी नहीं है जालिम जब म करना छोड़ देगा तो उससे कौन सी बुराई कोई झगड़ा नहीं है तो हमको इंसान से नहीं उसके अंदर जो बुराई है उससे नफरत करना है उसको हमको सुधार करना है उसके अंदर की बुराई ख़त्म हो गई तो खुद ब खुद आदमी हमारे लिए पाक साफ हो गया अच्छा हो गया तो वो जो भी आदमी नछेड़ी है उस आदमी से नहीं उसके नशे से हमको चिड़ना है उसके नशे से हमको नफरत करना है उसके नशे की एक बार हम आदत छुड़ा देंगे तो वो भी आप लोग के बीच का एक फ़र्द एक इंसान है तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवान को हमारे पूरे एक एक बच्चे को माशरे के हमारे अल्लाह इस नशे की निजात दे नशे की बला और मुसीबत से पाक फरमाए यही मेरी दुआ है बाकी अब आप लोगों को जो सवाल करो वो आखर द्दावाना नीमद आलमिन असल वरहम इसक अब जो सवाल है करो इसको क्या है आओ क्या बोलो क्या तकलीफ है इसको जो तकलीफ है इधर बोलो मैं आप मेरे को जिस मकसद के लिए बुलाए बिंदास बात करो आप लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा इन बोलो ना जिसको आओ सब बोलो ना हिम्मत करो कोई मसला नहीं है बोलो आओ किसी के साथ कोई बुरा नहीं होगा बुरा नहीं होगा भाई हम लोग घबराओ मत पुलिस वगैरह कुछ नहीं करेगी कोई अफराध कुछ नहीं आप अच्छा काम लेकर सोच रहे हो किसी का भला करने सोच रहे हो आप कुछ बुरा नहीं होगा जो तकलीफ है बताओ तकलीफ बताओगे तो हम लोग आपका हल बताएंगे ना या उसके हल के लिए हम आपका साथ देंगे बोलिए यहाँ पे कैसा ना नविद भाई यहाँ पे कैसा ना ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत मीटिंग लिया है बहुत समझाया लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनते ही नहीं समझते ही नहीं अपने आप को मतलब दादागिरी करते हैं और इनको कुछ बोलो उनको कुछ गाली दो ना तो इनके घर वाले इनके सपोर्ट से आते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते वो लोग पावरफुल पड़ जाते हैं यहाँ पे मसला ऐसा है अभी ये मीटिंग के बाद भी ना कुछ लोग ऐसा है कि सुन के निकाल देंगे बाद में अपना काम वही करेंगे तो उनके साथ क्या किया जाए कैसा लड़ा जाए वो आप बताओ देखो तो ये फिर वही समाज की बात आ गई कि अगर वो एक आदमी नशा करता है ऐसा ये बता रहे अकील अगर वो आदमी नशा करता है तो वो फिर उसी के उसको कुछ बोलो मना कर उसके घर वाले भी आते तो मैं बोलता एक आदमी बुरा कर रहा है जब उसकी तरफ से दस और बीस लोग खड़े हो जा रहे हैं तो आप अच्छा करने वाले लोग हो या माचरे में हो बीस लोग ज़्यादा है कि आप लोग ज़्यादा हो हज़ार दो तो हज़ार की तादाद आप लोगों की है ना नशा करने वाले तो भी गिनती के पाँच दस होंगे या उनके घर वाले मिलाएंगे दस बारह तो बुराई का सपोर्ट करने के लिए दस लोग जमा हो रहे तो अच्छा काम करने के लिए आप लोग सौ दो लोग जमा नहीं हो सकते क्या नहीं हो सकते यही हाल है मैं आपको बोला ना देखो फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं मौज है दरिया में बैरून है दरिया कुछ नहीं आप एक सौ बाल्टी पानी भी रहेगा ना वो बाहर रखे रखो उसमें कोई मौज कोई हलचल नहीं रहेगी लेकिन एक पार्ट पानी भी लेकिन समंदर में डाल दोगे तो वो लहर मारेगा मौज आएगी उसमें उसमें ताकत आ जाएगी लेकिन अगर पूरी टंकी पानी भी बाहर रखा हुआ है पूरा हौस पानी भी है तो उसमें लहर रहेगी ताकत रहेगी तो हमारी जो ताकत है ना हमारी ताकत वो इसी के अंदर है हमारी एकता के अंदर भाईचारे के अंदर और जब अच्छी नीयत से आप लोग करोगे कि आप उनके घर वालों को पहले उनसे मीटिंग लो घर वालों से कि भाई देखो कल हम कंप्लेंट करेंगे तो तुमको लगेगा हमारे बच्चे को अंदर कर रहे हैं हमारे बच्चे को बाहर कर रहे हैं हमारा मकसद ये नहीं है हमारा मकसद ये तकलीफ है आप लोग साथ दो और उनको पूरा इरादा रखो ना नहीं है तो उनको बुलाओ बैठाओ हम लोग भी आते हैं मीटिंग में अच्छे काम हम लोग भी भाई देखो इनको एक तो यहाँ से हटा के आदत छुड़ाना है दूसरी बात हम लोग खुद चाहते हैं आप लोग भी घर वाले साथ दो हम लोग इनको बाक़ादा भेजते हैं ना डी एडिक्शन सेंटर में भेजते हैं अगर आपका बच्चा नशे से पाक होकर नशे से मुक्त हो के आता है तो उनके घर वालों को क्या इसमें कोई बुरा है क्या कि उनको बुरा लगेगा क्या अच्छा ही लगेगा ना तो अगर जो रह रहे देखो अमन सुकून से करो अगर की जरूरत नहीं उनके घर वाले अगर आते या जो लोग यहाँ सुन के आप बोले ना उड़ जाएंगे वापिस भूल जाएंगे वैसे लोगों को खास तौर से बुलाओ बैठाओ और देखो ज़रूरी नहीं कोई चीज़ का हल एक बैठक एक मीटिंग में मिले एक बात समझो एक बार बैठना पड़े दो बार बैठना दस बार बैठना अगर हक काम है तो तकलीफ आएगी देखो तंदूर से जब रोटी भी निकालना पड़ता है तो चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है अपने को चिमटा जलता है ना तंदूर में चिमटे को चटका लगता है जब भी रोटी बाहर आती है तो भाई कोई चीज़ का फल चाहोगे ना तो करना ही पड़ेगा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है अगर वो बीज ज़मीन में जाके ख़त्म होता है तो उसमें से तो पाव निकलती है ना तो ही वो झाड़ बनता है पौधा बनता है फसल बनती है अगर वो सोचेंगे बीज भी अक्खा रहे बीज खत्म ना हो और हमको उसके तो कोई फल या उससे कोई हम दरख्त या पौधा या हो सकता है क्या तो अपने को भाई कोई कुर्बानी तो देना पड़ेगा थोड़ा जी अपने को सहना पड़ेगा झेलना पड़ेगा अच्छा करना चाहते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो तुम्हारा एरिया ये सबसे पाक हो जाए बेगैर झगड़े लफड़े के बाकी शॉर्टकट तरीका भी बहुत है लेकिन क्या हासिल है चौबीस घंटा हम रहने वाले नहीं चौबीस घंटा आप खुद अपने घर वालों के साथ रहने वाले नहीं हो तो उससे बेहतर है जो चीज़ बामन के साथ और मजबूत तरीके से हाल होती है उसकी कोशिश करो ना अगर वो चीज़ कॉन्फिडेंस में उसके घर वाले आकर वो आकर एक बैठक दो बैठक चार बैठक हम लोग साथ देंगे जितना भी वक्त लगेगा जो भी मेहनत लगेगी ये तो मैं आपको जो मिसाल दी ना आप सौ सौ रुपया निकालोगे तो उसका इलाज भी हो जाएगा अब ऐसा थोड़ी हम आपको बोल के हट गए जब आप लोग एक कदम की हिम्मत करोगे ना हम लोग तुम्हारे लिए दस कदम बढ़ाएंगे इन हम लोग दस कदम बढ़ाएंगे इन लेकिन आप लोग हिम्मत करो जिसको चाहिए बच्चा खुद रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना कोई दूसरे का बच्चा रोता है तो अपनी माँ अपने को दूध थोड़ी पिलाई वो बच्चे को खुद रोना पड़ता है ना तो आप लोग के अंदर खुद वो चीज़ की कोशिश रहेगी तो काम होगा आगे तो ये चीज़ करो इसके लिए इरादा करो उनके पहले घर वाले अगर उनकी तरफ से आते हैं बुराई में उनको बैठाओ तुमसे तो नहीं सुनते होंगे ना मीटिंग में जिनकी सुनते हर मोहल्ले में कोई ना कोई, कोई पोडारी पटेल बड़ा रहता ही है ना कोई समाज सेवक रहता है कोई कॉरपोरेटर रहता है उसके थ्रू बुलाओ बैठाओ समझाओ हम लोगों को भी बुलाओ हम लोग बैठाएंगे समझाएंगे उनको हल भी बताएंगे कि मकसद तुम्हारे बच्चे को खाली अंदर करना केस करना नहीं है हम ये चाहते हैं देखो तुम्हारा बच्चे अलग चाहते हम चाहते हैं सुधर जाए हम उसके पीछे इन वक्त देने और पैसा लगाने तैयार है तो ऐसे उनको जब लगेगा कि यार मेरे औलाद को सुधार के दे रहे हमारे भाई को सुधार के दे रहे तो वो भी तो इन कुछ ना कुछ, ना कुछ तो वो भी तो इंसान ही है ना तो वो चीज़ मेरा बोलना है किसी को और कोई सवाल पूछो देखो नहीं तो हम लोग का आके यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आप लोग जब तक तो सवाल नहीं करोगे जो आपके मन की शंका जो भी डाउट नहीं है जो भी डाउट है जब वो तक तो बताओगे नहीं तो हम क्या हाल बताएंगे आपको क्या आपके यहाँ तकलीफ है क्या प्रॉब्लम है हमको क्या मालूम आप बताओगे तो मालूम पड़ेगा ना किसी और को कोई सवाल अच्छा ये होना चाहिए कि नहीं मैं जो बताया कि भाई आप लोग खड़ी चाह रहे नशे से पाक आपका एरिया हो जाए तो आप ये भी नहीं चाहते कि आपका जो भी वो शख्स भाई है उसका खुद का भी नशा छूट गया जब वो खुद नशे से पाक हो जाएगा तो फिर मोहल्ले में बुराई नहीं रहेगी ना नहीं तो पहला हल तो है ही ना भाई पहला जब तक वो अच्छा नहीं होता कुछ नहीं होता तो उसको एरिया तो छूट जाएगा कन्फर्म छूट जाएगा उसका एरिया तो ये चीज़ चाहते हैं आप लोग ये हो बोले एक आवाज़ होकर बोला आप मैं कोई लाश तो नहीं मैं ज़िंदा इंसानों से बात कर रहा हूँ चाहते हैं आप लोग ऐसा कुछ हो अभी भी आवाज़ नहीं कीजिएगी की। इसीलिए वो जो नशेड़ी लोग आप पर रुआब करते हैं ना जो नशेड़ी लोग आपको मतलब पूरा पढ़ते इसीलिए पढ़ते कि वो अकेले वो नशे में होने के बावजूद जिंदा है और आप लोग बगैर नशा किए हुए मुर्दा हो वो जहर खा के ज़िंदा है आप लोग बगर जहर के मुंदा होते दे, देखो बुराई इसके अंदर नहीं है कि कोई जो आदमी है वो जुल्म करता है या बहुत ज़्यादा आप लोग को छिड़ता है असल बुराई क्या मालूम है अच्छे लोगों का खामोश रहना सज्जन का मौन कहा जाता है इसको क्या कहते हैं हिंदी की कहावत सज्जन का मौन बुराई करने वाले जो बुराई करो तो कर ही रहे लेकिन जो माशरे के अच्छे लोग खामोश रहते हैं ना ये असल बुराई की जड़ है बात समझ में किसी के मन में कोई सवाल हो तो करो और हमारे जमील भाई कुछ बात करेंगे जैसे अभी नवित भाई आपने इन लोगों को बताया कि जो घर के नशा करते हैं बच्चे तो उनके बच्चों को समझाने जाते हैं बोलने जाते हैं तो घर वाले थे झगड़ा करने है ना तो ये बात को मैं यहाँ रोक के थोड़ा सा एक छोटा सी वाक़ बताता हूँ ये वाक़ नहीं है हकीकत है जो मेरे साथ हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे एक वाकिफ़ वाकिफकार हैं उनके तीन बच्चे थे तीन में से दो बच्चे जो है ना बराबर काम धंधा करते थे एक बच्चा उनका नशे वाला था नशा करता था तो इतफाक़ से बैठ के मेरी बात चली तो बोलने लगा कि यार ये बच्चे से मैं बहुत परेशान हूँ ये बहुत नशा करता है और आए दिन चोरी चमारी गलत काम दवाइयाँ नशे की दवा भी बेचता है वो और दो बच्चे मतलब क्या करते हैं तो बोले दो बच्चे एक नौकरी करता है एक छोटा मोटा कारोबार करता है तो मतलब फिर तुम इसको घर से भगा क्यों नहीं देते हो तो बोले मैं भगाऊँ कैसे यही तो घर का खर्चा चलाता है यही लड़का तो घर का खर्चा चलाता है अभी जो तुम बोले कि इन बोलने जाते तो वो लोग घर वाले खड़े होते उसकी मेन असल वजह यही है कि वही लड़का जो नशा करता है वही उनके घर का खर्चा चलाता है अब आप उसको जाके समझाने के लिए बोलोगे तो वो तो उनकी तरफ से ही खड़े होंगे ना कि ये बच्चा चोरी चमारी चैन स्नैिंग या गलत दवाइयाँ बेचता है तो हमारे घर का खर्चा चलता है तो उसका इलाज क्या है देखो ये कोई एक वाक्य आपकी ज़िंदगी में हो जाना वो पूरी कायनात के लिए कायदा कुल्लिया नहीं है ये एक वाक्य आपके साथ हो सकता है नहीं तो उमूमी तौर पे नशेड़ी लोग जो है वो कुछ चोरी चमारी वो अपना नशा पूरा नहीं कर पाते वो चोरी चमारी करके बड़ी मुश्किल से अपनी खुराक जमा करते हैं ऐसे सैकड़ों में एकाध रहते हैं कि जो अप, अपना खुद का नशा भी पूरा करता है और घर भी चलाता है सैकड़ों में का रहते हैं उमूमी तौर पर ऐसे नहीं रहते आम तौर से तो यही रहते हैं कि उनको इतनी गली चोरी को मिल जाए या इतना सामान मिल जाए कि उनकी खुराक पूरी हो जाए ऐसे ही रहता है ना कि ऐसे जितने नशेड़ी है सब वही के बल पे अपना घर चला रहे है, ऐसा है क्या तो एक वाक्य ऐसा हो सकता है कॉमन जैसे कि एक चोर को अभी हम लोगों ने पकड़े थे मेरे घर में एक चोर घुसा था तो उसका बाप एकदम बेचारा बन के हम लोगों के पास आया जमील भाई खुद मौजूद थे वहाँ पर तो सुबह में चार बजे हम लोग के एरिया के जितने गर्दुल्ले थे और चार भाई जाके सबको मजबूत ठोका बोला मेरे को पंद्रह मिनट के अंदर वो लड़का चाहिए जो घुसा था तो वो लोग पाँच मिनट के अंदर उसको लेकर आए पुलिस जमा किया अभी भी, भी बच्चा अंदर है तो उसका बाप आके रोया गया अरे बोले मैं तो परेशान हुई है वो तो हम लोगों ने उसको वही फाइंड आउट किए कि वो तू भीम भरता है वो उसका बाप भीम भरता है और मस्त एकदम जिंदगी पचपन छेछे औलाद और वो लड़का दो दो तीन तीन गाड़ी रखा है सवा सवा लाख रुपये का मोबाइल रखता है घर में मतलब उसी के पैसे पर उसका घर चलता था वो चोर के पैसे पे उसके बाप का घर चलता था तो ऐसा नहीं कि तमाम गंजड़ी चचेड़ी वैसे ही है बात समझ में ही मेजोरिटी ऐसी होती है कि जो उनको अपने खाली नशे फुटता हो जावे उनको अगर घर की इतनी परवाह होती तो ये नशे में आते ही क्यों बात समझ में ही वो तो बिगड़े हुए लोग रहते हैं उनको तो खुद नशे के आंधे पैसे के वादे चोरी चमारी करके लोग नशा करते हैं ना और ज्यादातर तो लटक के करते कोई एक थोड़ा जी अगर पैसे वाला नशेड़ी है तो उसके साथ में कम से कम उसके नंबर गाड़ी पंटर दस रहते जो उसको लटक के उसके भरोसे नशा करते ऐसा ही है ना तो ये ज़रूरी नहीं है अगर ऐसा भी कोई मैटर हमारे सामने आता है कि उसके घर ही उस बल पे चल रहा है यानी कि पूरा घर मुतफिक है चोर हुआ अकेला नहीं है तो उसका भी हल है ना अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कि वो नशेड़ी के बल पे ही पूरा घर चलता है और नशेड़ी के घर वाले इसलिए उसको छुड़ाना नहीं चाहते कि भाई उसी में उनका आयिस छुपाए तो पूरे घर को अंदर करा देंगे पूरे घर पे केस करवा देंगे समझ में आई बात कानून है ना हर चीज़ के लिए कानून है कोई चीज़ आपको बेजाब्ता दादागिरी लुखागिरी फुकड़गिरी कुछ नहीं करना है हर चीज़ का हुकूमत ने आपको सहूलत दी है कानून के अंदर है ना पुलिस है ना पुलिस हमारे ही काम के लिए हम काम नहीं लेना जानते काम लेंगे ना उसी पुलिस से काम लेंगे लेकिन आप लोग जब तक एकता नहीं दिखाओगे आपको ऐसा होगा मालूम है अभी समझो कोई ऐसा इस तरीके का मिल गया था जमील भाई ने बताया कि एक आदमी अब उसी से घर चलता है वो आते लफड़ा करने अब उसके ऊपर हम लोगों ने कोई एक्शन लिया सुनो गौर से बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ कल ये मत बोलना कि कोई चीज़ अंधेरे में रख के गया अब यहाँ पर एक्शन लेकर बच्चे को अंदर करा दिए अब ऐसा तो नहीं कि चौबीस घंटा हम लोग फ़ोन पकड़ के यही काम के लिए बैठे हमारी भी अपनी ज़िंदगी है दस काम है अलग अलग काम है एजुकेशन में काम कर रहे हैं मेडिकल में काम कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे अब मालूम पड़ा मैं कि पूना में हूँ कोई भाई हमारे बंबई में कोई भाई नासिक में अब यहाँ पे आप लोगों का कुछ झगड़ा होगा फौरी तौर पर कुछ झगड़ा अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग फिर वहां पर हमको बोलेगा भाई तुम आई नहीं इधर किधर हो तो हर बार जब हम ही मसीहा बन के आएंगे फरिश्ते बन के आएंगे या हम ही स्पाइडरमैन सुपरमैन बन के आने का और लड़ने का तो इसीलिए एरिए की ताकत होना जरूरी है कल तुम ही लोग हम लोग को बोलेगा हमको भिड़ा दिए खुद गायब है तो कोई चौबीस घंटा तुम्हारा भला करना है तो चौबीस घंटा तुम्हारा झाड़ पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा इसीलिए एरिए की ताकत बनाओ अपना जूठ बनाओ एक एकजुटिस बनाओ कि तुमसे जब वो एक घर वाले खाली उसके साथ दो पाँच दस लोग आते हैं तो आप लोग को इतना खौफ है कि उसको मना करो तो पूरे घर आता है अब पूरे घर में दो हज़ार लोग तो होंगे नहीं ना पांच आदमी होंगे दस आदमी होंगे औरत बच्चे से मिला के माँ बाप तो दस आदमी एक साथ आ रहे तुमको दिख रहे और जब तुम दो सौ लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो तुम दो सौ लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो क्या पुलिस क्या डिपार्टमेंट क्या घर क्या मोहल्ला सब आप लोग की सुनेगा ना कि वो दो आदमी की सुनेगा जो नशा कर रहा है एक बात फिर समझ लो बल तो बल अपना बल फिर बोलो बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है आप एक कदम चलोगे तो हम दस कदम साथ देंगे लेकिन एक कदम चलना आपके ऊपर शर्त है वाजिब है अब उसका घर चलता हो उसके बल पे या वो खुद नहीं चलता हो वो सब बात की बात है पहली तो ये इरादा करो आपको ये चीज़ के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है अगर लड़ना है तो आगे बात करो जब लड़ना ही नहीं है तो फिर इतनी बात करके कोई फायदा ही नहीं समझ में आ रही है इतनी बात बोलने के बाद भी किसी को मुझे आवाज नहीं निकल रही लड़ना है बोले तो फिर एकजुट हो ना वो लोग दो पांच लोग आते तो आपको इतनी फिकर हो गई दो पांच लोग अरे आप कम से कम पांच सौ लोग और हजार लोग हो ना बोलने में एट द टाइम आप पचास लोग तो जमा हो बात की बात है ना कोई आपकी मदद को आएगा बात की बात है पहले आप लोग जो वहाँ रहते हो पास पड़ोस में हो आप बाजू के घर से निकल के बाजू में पहुँचना आपके लिए है मैं कि कोई पाँच किलोमीटर हम लोग आठ किलोमीटर कोई सात किलोमीटर दूर से वो आना है मैं जब पूरा मोहल्ला एक जगह जमा रहेगा आपका पूरा मोहल्ला मुतफिक रहेगा तो किसी की जरूरत नहीं रहेगी समझ में आई बात आपको तो अपना बल पैदा करो अपनी ताकत फिर बोला फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं आपकी ताकत ही आपका इत्याद है समझ में आई बात ये याद रखो आपका इतिहाद रहेगा तो आप ताकत में बने रहोगे ये चीज़ आपको करो तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं किसी का घर चलता है उस पर कि किसी का खानदान चलता है हर चीज़ का हल है कानून के अंदर हर चीज़ का हल है सब करेंगे यही पुलिस आपको इंशाल्लाह इंसाफ़ देगी लेने का तरीका आना चाहिए समझ में आई बात एक अंधा था एक अंधा एक अंधे को खीर दी गई खाने को क्या दिया गया खीर दी गई अब अंधा पूछा ये क्या है अंधा क्या पूछा ये क्या है तो जो आँख वाला अंधा था आँख वाला अंधा समझे ना वो आँख वाला उसको बोलता है बोले खीर है अब वो पूछता है ये खीर कैसी होती है तो वो आँख वाला जवाब देता है सफेद होती है अब अंधा पूछा सफेद कैसा होता है अंधा क्या पूछा सफेद कैसा होता है तो आँख वाला जवाब देता है जैसे तो बगला होता है अब फिर अंधा पूछा बगला कैसा होता है अब इसको समझ में आया ना उसने हाथ टेढ़ा किया बोले ऐसा होता है अब अंधे नेता हाथ छुआ ऐसे हाथ ऐसे टटोल के देखा बोले नहीं रे बाबा नहीं खाने का बोले क्यों बोले बगला इतना टेढ़ा है तो खीर कितनी टेढ़ी होगी समझ में आई बात मतलब एक गलत तर्जुमानी किसी चीज़ को गलत तरीके से या गलत तरीके से करना या पेश करना इंसान एक अच्छी नहमत से महरूम हो जाता है क्या होता है एक अच्छी अगर वो उसको ढंग से बोलता भाई एक गिजा, एक डिश है एक मिठाई है खा ये मज़ेदार चीज़ है तो वो अंधा वो खीर से महरूम हो पाता लेकिन उसके गलत तरीके से बयान गलत तरीके से करना वो तरीका कार उसका गलत था बताने का तो एक अच्छी नेमत से अंधा महरूम हो गया ठीक इसी तरीके हमारे हर काम में होता है वही पुलिस वही डिपार्टमेंट आपका तरीका कार सही होगा ना तो बेगर बोले आपके लिए काम करेगी और आप खाली यहाँ पे नगर सेवक का शोर या भाईगिरी ही या हु अपार्ट खाली भीड़ भक्कर दिखाओगे कायदे से जाओगे नहीं सही तरीके जो चिं चैन जो तरीका का जो लिंक होती है उस सही लिंक से आप नहीं जाओगे तो अंधे की तरह आप खीर से महरूम हो जाओगे समझ में आई बात तो इसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है पहले तो एक नहीं आप लोग आपस में दस मीटिंग लो कि वाकई हमको ये काम करना है कि नहीं करना है कैसा मालूम है हाँ हाँ भीड़ में बोलने वाले बहुत रहते हैं लेकिन जब वक्त पड़ता है तो भागने वालों की तादाद ज़्यादा होती है समझ में आई बात तो कैसा मालूम है पचास गांडू और पचास बुजदिल बनाने से अच्छा पाँच मरद पा लो समझ में आई बात पचास हत्ती गांडू तुम्हारे सामने रखने से बेहतर है पाँच मरद रखो तो बरूबर जंग जीत जाओगे नहीं तो पचास बुजुर्ग भी रहोगे तो मार खाओगे ये मेरा आप लोगों से बोलना है फाइनल किसी को कोई सवाल और देखो आया हूँ फ़ायदा उठा लो जो इसको जो सवाल करना नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं अलग वाली यही है हमारा मोहल्ला पहले बबलू नासिर बबलू नासिर शेख हाँ ये हमारा मोहल्ला ऐसे ही है कि तुम बोलोगे कुछ नहीं बोलेंगे ये ऐसा ही है इसके लिए यह सब चल रहा है तो भाई तो वही वो अकेला ही बंदा बोला कोई नहीं।, नहीं अभी तुम जाओगे ना तो सब पोपट की बोली बोलेंगे तो कोई जीत नहीं पाएगा इन लोग से बोलने में अभी तुम थोड़ा अगर गेट पार कर लोगे ना तो मुंह रोक ही नहीं पाएंगे इन लोग का तुम और यही बात है जो ये जो यही बात है जो नशा जो कर रहे हैं ना और जो बोल रहे तुम घर चलता ये है पांच लोग वो मर्द है बाकी जो हम जैसे है ना वो गांडू लोग हैं यहाँ पे ये उल्टा हिसाब है इसके लिए सब तुमको बुलाया गया है मैं नविद भाई से पहले कुछ बोलना चाहूँगा कि खामोश मिजाजी हमें ज़िंदा नहीं रहने देगी दुनिया में रहना है तो कोहराम मचा दो हाँ और एक राहत इन का भी शेर था जो कुछ कुछ मुझको याद आ रहा फिर भी पूरा बोलने की कोशिश करूँगा <clears throat> तूफ़ानों से आँख मिलाओ पे वार करो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो तो आज जो आप लोग की जो टीम में देखा ना माशाल्लाह सब यंग है और सब जज्बा भी रखते हैं अपनी कौम के लिए तो भाई तुम तीरना जैसे सीखे हो ऐसे दूसरों को भी सिखाओ ये इंतज़ार में मत रहो कि मैं अकेला क्या कर लूँगा एक आदमी जब कुछ शुरुआत करेगा तो ही उसके पीछे सब आएंगे आज ये हमारे नवीद भाई उन्नीस मेरे ख्याल से मैं कुछ सही बोल रहा हूँ 1991. 1991 से इन्होंने एक मोमेंट चलाया था तालीम के लिए आज जो हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैलती हैं ना उसकी अजर, असल वजह क्या होती है आप लोग को मालूम है तालीम से दूरी अगर आप तालीम इल्म हासिल करते हो अगर आपको इल्म आता है कोई चीज़ का आप तालीम हासिल करते हो तो ये बुराई में आप लोग पढ़ोगे क्या तो उस मोमेंट को उन 1991 में हमारे नवी साहब ने जारी किया था उनको शुरू किया था अकेले ही अकेले ही लेके चले थे आज 2022 में आप मेरे ख्याल से इसमें से बहुत से लोग सुनेंगे पी स्कूल में आजकल पी चल रहा है शोर मचा हुआ है आप देखे हो ना ये पी क्या है जो स्कूल वालों की धांधली है जिसकी वजह से हमारे हाँ एक मिनट जनाम आजान एक बच्चे की फ़ीस स्कूल की तुम लोगों के हिसाब से कितनी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट अच्छे स्कूल जैसे के बी एस है तुम्हारा क्या बोलेंगे हॉली मेरी है यहाँ पर तुम्हारी ग्लोरी है जिसको आप लोग बहुत बड़ा बोलते हो कितनी होना चाहिए एक बच्चे की फीस हाँ पाँच हजार रुपया महीना है ना लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमको कानून बना के दिया है ना वो रू से अगर तुम स्कूल को लागू करा के चलाते हो ना तो एक साल की फ़ीस आठ सौ से हज़ार रुपया बनती है कितने एक साल की हाँ एक महीने की नहीं एक साल की ये गवर्नमेंट ने हमको सहूलत दी है कि इस प्राइवेट स्कूल वाले ना नफ़ा ना नुक़सान पे स्कूल चलाना है उनको लाइसेंस ही इस बेस पे मिलता है कि तुम वहाँ के मोहल्लों के जो है मोहल्ले के लोगों को जहाँ ज़रूरत है तालीम की तुमको एकदम फ्री पढ़ाना है अगर तुम्हारे थोड़ा बहुत अखराजा है तो तुम इतनी फीस ले सकते हो इसकी एक कंडीशन है पूरी ये तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ तो उसके लिए हम जो लड़ रहे हैं हम नवीद साहब के साथ में हम लोग भी जुटे हुए हैं तो वही सब कानून को लेके जो आए दिन आप लोग सुनते हो ना ये सब कानून पास हो चुका है इसको लागू कराना है तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपके मोहल्ले में नौजवान ऐसे भी है जो खुददार हैं जो खुददार है और जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी उम्र के लोग बहके ना जैसे नशे में चले गए जुए में चले गए नशा किया आदमी तो सब कुछ कर लिया तो मतलब ये आप में बेदारी है आप लोगों का ज़मीर ज़िंदा है ये देख मुझको बहुत खुशी हो रही है इसी तरीके से आज की नौजवान नस्ल अगर अपने ज़मीर को ज़िंदा रखती है उसमें बेदारी रहती है जोश जज्बा रहता है तो माशरे की जो बुराई है उस पर तुम काबू पा सकते हो माशरे की बुराई पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है भाई पांच वक्त की नमाज़ पढ़ लिए हज कर लिए रोज़ा रख लिए जक़ात दे दिए चलो ये हो गया लेकिन ये मज़हब मुकम्मल नहीं हुआ इस्लाम माशरे की जो बुराइयाँ है उसको ख़त्म करना है कौन तकलीफ़ में हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो और अगर कोई हमारा भाई बंधु चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तकलीफ़ में तो उसकी तकलीफ को दूर करना माशरे में जो बुराई है जैसे भी आप लोग जैसे भी नशा के ख़िलाफ़ उठे हो इन नशा है इसको ख़त्म करना मोहल्ले में कौन नशा बेच रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े होना ये सब भी हमारे मजहब में है भाई इसका भी अजर होता है लेकिन हम लोगों को बताया नहीं जाता है हम जुमा के दिन जाते हैं नमाज़ पढ़ने तो हमारे मौलाना साहब क्या बताते हैं वही रवायत किससे कहानी हजरत उम्र का रवायत हदीस कुरान ठीक है अच्छी बात है लेकिन माशरे की बुराई के ऊपर कब बात होगी बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई मोहल्ले में आज कितनी तकलीफ़ बुराइयां ऐसी जो आदमी नहीं बोल सकता तो हमारे जो मोहल्ले के आलिम लोग हैं जो बड़े लोग हैं उनका काम है और उसके बाद आप जैसे लोगों का काम है उस पर ध्यान रखना उसको करना उसको करवा के लेना बुरा बुराई को ख़त्म करना भाई बड़े लोग तो मशवरा देंगे आपको आपके साथ में रहेंगे लेकिन असल ताकत तो आप लोग की है ना तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग में बेदारी है मिली बेदारी है अल्लाह आप लोग की मदद करे और हम लोग तो आप लोग के साथ हैं इन जो होएगा हम लोग से हम करेंगे देखिए भाई ने सब बताया हम पे ज़रूरी है बल्कि फ़र्ज़ है ये भी माशरे की खिदमत और माशरे के हकूक में हुकों के बाद तो एक चीज़ ये समझो कि जैसे मैं आपको बताया ना कि पुलिस भी इन आपका साथ देगी आप हक के लिए करोगे तो जैसे आप उनके घर वालों की बात की ऐसे कोई झगड़ालू कोई सामने आता भी है तो हर चीज़ का हल झगड़ा लफड़ा नहीं इसके तरीके हमारे काउंसलर्स होते हैं जब आप मतलब इस चीज़ पे खड़े हो जाओगे जब हमको यक लग जाएगा यकीन हो जाएगा कि आप ये करना चाह रहे हो मैं इसीलिए बोला पहले अपने आपस में बार बार मीटिंग लो जब आपको पक्का यकीन हो कि हम ज़्यादा नहीं नहीं अगर 200 लोग हम 50 लोग इसको एकदम पक्का आप लोग 50 की टीम बन गई ये करना है ना तो हमारे बाकायदा डॉक्टर्स सुनिए तो हाँ तो सुनिए तो हम काउंसलर्स हमारे पास जो नशा छुड़वाते हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं और ऐसे लोग जिन लोगों ने हमारे मतलब टीम में रहते हुए नशा छोड़ा है मतलब एकदम ज़्यादा गहराई में जाके छोड़ा है हम वैसे लोग को लेके आते हैं समाज में उनको बात करवाते हैं वैसे लोगों से वो लोग अभी हम कितना भी अच्छा बोल देंगे हम कभी वो चखे नहीं हैं लेकिन जो वो दल्दल से बाहर आए हैं तो उसकी बात अलग रहेगी ना वो बोलेगा वो समझेगा उसकी चीज़ें वो समझेगा तो जब उनके घर के लोगों को भी हम भैया के साथ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ये तमाम चीज़ें हमारे पास मनसूबे बहुत है प्रपोजल्स बहुत है हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं लेकिन असल चीज़ ये कि पहले आपकी टीम आज जो आने का मकसद भी यही था कि डायरेक्ट आके कोई एक्शन ले लेना केस कर देना इसके बजे वो हल नहीं है हमको एक अच्छा माशरा चाहिए ना तो पहले आप लोग अपनी एक अच्छी मजबूत टीम बनाओ जब हमको ये चीज़ यकीन हो जाएगी ना तो देखो ये सब खर्चे वाली चीज़ें हम हमारी टीम लेके आएंगे हमारे डॉक्टर्स आएंगे हमारे काउंसलर्स लाएंगे सब लाएंगे वो आपके ऊपर तो बोझ डालना नहीं हमको आपके ऊपर तो बोझ नहीं डालना है ना वो सब हमको करना है तो वो सब चीज़ें ले हम कब करेंगे मालूम पड़ा हम लोग आके आ रहे हैं आप लोग सब गायब हो और वो अकेले को भी ना अपने यहाँ पे लाने में कामयाब नहीं हो तो हमको जब लगने का चाहिए ना कि भाई आप लोग की एक टीम मज़बूत है आप खुद उसकी फिक्र कर रहे हो चाह रहे हो तो हमको फिर पैसा लगाने वक्त लगाने ताकत लगाने मेन पावर लगाने एनर्जी लगाने कोई बॉम्बे से आएगा हमारा हमारा कोई आदमी पूना से आएगा हमारे कोई जो पूरा रिहेब के जो लोग सुधरे जो लोग हमारे इधर सुधर गए वो लोग को हम मापोली से लेके आएंगे उनसे बात करवाएंगे उनकी भी करवाएंगे जो नशा कर रहे हैं और उनकी भी करवाएंगे उनके घर वालों से करवाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना जब डॉक्टर वो चीज़ अभी आप लोग के चले घर वाले चिड़ते होंगे आपसे उसके घर वाले लेकिन जब कोई डॉक्टर बाहर जाके बड़ा समझाएगा तो क्या उनसे भी जैसे भी मैं वो घर वालों से बात करूँगा तो आपसे वो अलग तरीके से बात करेंगे मुझसे अलग तरीके से बात करेंगे समझ में आ रही है ना बात उनके लिए मैं बाहर कहूँ हमारे इंसान की एक फितरत होती है घर की मुर्गी दाल बराबर रहेगी दाल भी नहीं रहेगी अब मैं थर्ड क्लास भी बात करूँगा ना आपका सौआ हिस्सा भी बात करूँगा ना तो मैं बाहर का अनजान आदमी हूँ ना तो मेरी बात को अहमियत रहेगी वेटेज रहेगा ये एक इंसानी फितरत है घर की मुर्गी दाल बराबर तो आपने कहती है तो इसी तरीके हम तो जब डॉक्टर्स को लाएंगे सबको लाएंगे असल चीज़ है आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो पहले आपको ये डिसाइड करना है सौ की सीधी एक अरे जबान तो बोलने से नहीं होता पहली मीटिंग में बहुत रहते हैं लोग अच्छा आप लोग पहले दो चार मीटिंग लो अपने आपस में ही सौ पचास रुपया जमा करो एक को आपस में बनाओ भाई टीम में ये आदमी पैसा देखेगा ये आदमी बात करेगा ये आदमी क्योंकि आगे फ्यूचर में भी आप लोग पेपर वगैरह बनाओगे इसका आगे स्टेप लोगे कंप्लेंट्स करना पड़ा तो जो भी लगेगा सौ दो सौ रुपये ही लगेगा लेकिन लगेगा ना तो वो आपका कौन रहेगा जिम्मेदार कौन कौन वक्त देगा क्या देगा जब दो चार मीटिंग आप लोग लेके जब आपस में अपना ग्रुप तय कर लोगे तो उसके बाद हम लोग को बोलो तुम लोग की हर मीटिंग में हम लोग आएंगे जब तय नहीं होता ना तब तक भी आएंगे लेकिन हमको जब ये यकीन हो जाएगा ना कि अब आप लोग मंच गए खड़े रहोगे तो फिर हम लोग हमारे पूरे एफर्ट्स पूरी ताकत पूरी हमारी जो पूरी पावर आपके सामने रख देंगे इनशाला देखो ग्लोरी के अंदर पूरा एक्शन पूरा एक्शन मैंने हेल्ड किया ग्लोरी स्कूल की न्यूज़ देख रहे होंगे ना गाय स्कूल में सब पेरेंट्स एहतज किए सब किए मेरी खुद की न्यूज़ चली तुम्हारे स्कूल में ये दक्कन समाज वाले बेचारे कितनी मेहनत करें पी के लिए इमरान शेख और ग्रुप जो है महाराष्ट्र दक्कन जो आगे कर रहे हैं ना मेहनत कौन गड़ा किया पीटी का मूवमेंट यहाँ पे नई बस्ती में हम लोग आगे किए पूरा हम लोग आगे किए इमरान के पूरे ग्रुप को अलहमदिल्ला साथ में लेके कर रहे सब कर रहे हैं ना आज है हर चीज़ हो रही है ऑर्डर भी निकाल दिए कल के देखे कल दे न्यूज़ चेयर ग्लोरी के खिलाफ भी ऑर्डर आ गया कोई बच्चे को बाहर नहीं कर सकते बाहर कर दे रही थी ना बार बार देखो मेरे नाम से ही ऑर्डर निकला हुआ है तीन स्कूल का ऑर्डर निकला है केमियस का विजडम स्कूल नायगांव और ग्लोरी का कि कोई बच्चे को भी अब वो फ़ीस के लिए अगर फ़ीस उसकी एक साल की बाकी है कि दस साल की पैसे के लिए फ़ीस के लिए किसी तरीके से बच्चे की बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते बच्चे को तालीम से रोक नहीं सकते उसको एग्ज़ाम से पढ़ने से क्लास से बाहर नहीं कर सकते कल रात उड़ा रा में ऑर्डर आ गया आज हर स्कूलों में पहुँच गया अलहमदिल्ला तो ये आप करोगे तो होगा ना बात समझ में आई करोगे तो होगा ना अभी मैं आप लोग के और भी एक दो ग्रुप है आपके मोहल्ले के ये इतराफ़ के नेहरू नगर के नई बस्ती के इधर के लोग हैं तो वो लोग ने मेरे को ये चीज़ बोले बोले भाई एक बार उनके ग्रुप को मजबूत हो या दो अगर लगता है कि वो लोग खड़े रहेंगे काम करेंगे तो हम लोग भी आगे खड़े हो जाएंगे अभी इतना बड़ा है तुम्हारा दक्कन सोसाइटी कितने अफराध है इसमें महाराष्ट्र दक्कन जो संस्था है एक बोलने भी आ जाएंगे सबकी तब क्योंकि अच्छे काम पे करते हैं लो, वो लोग वो लोग अच्छे काम के लिए खड़े एक काम पर खड़े इमरान खुद सोशल एक्टिविस्ट है बड़े लेवल पर आएगा ज़रूर आएगा लेकिन वो आएगा तो ये तो लगे ना भाई जिनका काम है उनको भी फिक्र है क्यों नहीं आएगा जरूर आएगा हर अच्छे काम के लिए खड़ा है वो आदमी पूरे उनके सोसाइटी में माशाल्लाह सब एजुकेटेड अच्छे लोग जुड़े हुए उनके साथ दूसरे आपके नेहरू नगर के बच्चे हमारे पास शास्त्री नगर के आप हमारे पास बच्चे बहुत अच्छा खासा ग्रुप है शास्त्री नगर का तो मेरा खुद का बहुत बड़ा ग्रुप है एजुकेटेड लोगों का अच्छे लोगों का मेरा खुद का बहुत बड़ा ग्रुप है शास्त्री नगर में तुम्हारे तो वह करेगा लेकिन पहले आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो नहीं हो या अमल से साबित करो मुँह से नहीं मुँह से बोलने को नहीं जो आदमी हर बात पर हाँ बोले ना उससे डेंजर आदमी कोई नहीं रहता कि उसको कभी हाँ बोलना करना कुछ नहीं है कि जबान में हड्डी नहीं होती ना उठाई जबान लगाए तालू से कोई तो आवाज़ निकलेगी ना जबान एक बार हिली मूवमेंट हुई तो आवाज़ निकलेगी तो उठाई जबान लगाए तालू से तो जो सब बात पर हाँ बोले ना सब पे डेंजर आदमी हो रहे थे कि उसको कुछ नहीं करना है खाली हाँ बोल रहे तो पहले आप लोग आपस लो में तय कर लो जिस मौके पर जिस मोड़ पर देखो दादागिरी की बात आएगी दादागिरी कानून की बात आएगी कानून तुम्हारे पीछे जायज़ कामों के लिए हक हलाल के जायज़ काम के लिए पैसा लगाने की बात आएगी पैसा लगाएंगे जो तुमको मदद लगेगी साम दाम धन भेद हम सब मदद करेंगे आपकी लेकिन आप लोगों को पहले खुद अपने आप को साबित करना होगा कि आप करना चाहते हो अपना खुद का भला क्योंकि हम अच्छे काम के लिए यहाँ पर आए हम किसी के खिलाफ किसी बुराई को बढ़ावा देने या किसी बुरे को या किसी के खिलाफ जंग कोई घर कोई अफराद कोई के खिलाफ जंग करने नहीं आए हम समाज को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जमा हुए अपनी नीयत जैसी रहेगी अल्लाह ताला फल वैसा देगा ठीक है तो पहले आप लोग और भी ऐसा नहीं कि आज मैं आया हूँ आप लोग जम गए कल से भूल गए ये बोले ना भाई ने, अभी आप जाओ सब भूल जाएंगे आप हटेंगे सब खत्म तो भाई खतरे से अकेल ने भी बात वहीं से शुरू किया अभी हाँ बोलेंगे बाद में कोई नहीं आएगा तो आप लोग को फिर मैं एक आश्वासन दे जा रहा हूँ पुलिस से किसी गुंडे से किसी मवाली से किसी भाई से किसी डरने की ज़रूरत नहीं है बात समझ में आई सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी नीयत हमारी सच्चाई सबसे बड़ी दादा कोई चीज़ है ना तो हमारा इरादा है अगर तुम्हारा इरादा है ना तो उससे पावरफुल कोई चीज़ नहीं है कोई पुलिस नहीं लगती कोई दादा नहीं लगता कोई गुंडा कोई मवाली कोई दाऊदी प्राइम नहीं लगता समझ में आई बात तुम्हारा इरादा अगर नेक और सच्चाई के लिए है तो तुम उस पर डटे रहोगे हर चीज़ करोगे और सबकी सब, सब पूरा समाज तुम्हारा साथ देगा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा साथ देगा अगर तुम खुद अच्छे के लिए कर रहे हो तो इसमें कोई जाति दुश्मनी नहीं लानेगा कोई जाति मुफाद नहीं लानेगा सिर्फ कौम की समाज के इलाके की, की भलाई के लिए आप काम करोगे इनशाला आपका सब भलाई भला खैर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक दिन आठ पहले आप लोग की आपस में मीटिंग लो ग्रुप को मजबूत करो जब आप खुद दो ढाई सौ मजबूत हो जाओगे तो इनशाला काम मस्के की तरह बिल्कुल आसान से हो जाएगा वकीानी रमदरबीआन अल्लाम वरम